न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मेरे पास रिकॉर्डिंग है टीम को, इन्होंने अपने गंडासियां कापे जो कुछ भी इन्होंने निकाल लिया। अभी कोठी से फोन आएगा रंजीत सिंह की, तू बाहर होएगी और तेरे पांचों बंदे सारे के सारे सस्पेंड होएंगे, तेरे सफेद कपड़े पहनने छोड़ दूंगा अगर तू मतलब ये मीटर उतारा। हाथ लगा के देख, मान जी को मारे पीछे से दो थप्पड़ और एक मोबाइल ले लिया, मेरे को थप्पड़ मारने लगे, शर्मा जी बीच में आ गई। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे, मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरनाला रोड पे और बरनाला रोड पे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज खट्टर का कार्यालय है यहाँ पे और गुरराज खट्टर का, तो यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये तस्वीरें उसी गली की हैं जिस गली में गुरराज खट्टर का कोई परिवार रहता है, रिश्तेदार रहता है, उस गली में ये आप देख सकते हैं ये मीटर लगा हुआ है, ये घर है और इस घर के पास ये जो मीटर लगा हुआ है, इस मीटर का बिजली का बिल काफ़ी बकाया है। ऐसा बिजली के विभाग के अधिकारियों का कहना है, उनका मानना है कि दो मीटर हैं, दो मीटरों का बिजली का बिल बकाया है। इसकी रिकवरी के लिए जब बिजली विभाग के कर्मचारी यहां पे पहुंचे तो इन्होंने जो है देख लेने की धमकी दी और उसके बाद उन पे कर्मचारियों पे जो है तेज धार हथियार से वार भी किया, ऐसा भी सुनने में आया है। लेकिन उसके बाद बिजली विभाग ने सख्ती से पेश आते हुए यहाँ पे छापेमारी की और पूरे अपने दल बल के साथ, प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पे पहुँचे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तस्वीरों में मीटर को उखाड़ा जा रहा है। मीटर को उखाड़ करके बिजली का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया गया है। अब अगर बात करूँ तो 1,22,000 के लगभग एक बिजली का बिल बाकी है और 27,000 रुपये के लगभग दूसरे मीटर का बिल जो है वो बाकी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गुरराज खट्टर, उनके किसी परिवार के सदस्य का या फिर किसी रिश्तेदार का ये मकान होगा, उनसे रिलेटेड ही ये बताया जा रहा है कि उनका कोई मकान है। और ये उस मीटर पे जहाँ मीटर लगा हुआ है, खंभे से जो कनेक्शन आ रहा है उस पे बिजली कर्मचारी जो चढ़ करके और उस कनेक्शन की सप्लाई जो है वो ठप कर रहे हैं। जब बिजली विभाग ने नेताजी के घर का मीटर उखाड़ दिया तो नेताजी जरा तिलमिला गए और गुस्से में अपना आपा खो बैठे और बिजली विभाग के कर्मचारियों को कुछ भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि आप पूरे शहर की फोर्स लेकर के आ गए, इतने आप डर गए हो। लेकिन डर तो नेताजी आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा। चलिए अब आपको दिखाते हैं असली जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गुरराज खट्टर उर्फ लाली, उनके कार्यालय की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ईमानदार खट्टर सरकार के ईमानदार जो नेता हैं उनके ऑफिस का बिल भी पेंडिंग है और जब बिजली विभाग के कर्मचारी उनसे गुहार करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप बिल भर दीजिए, तो उनको ऊपर से सस्पेंड करवाने की और नेताओं से फ़ोन करवाने की धमकी तक दे डालते हैं। तो ऐसे में कैसे हम कह सकते हैं कि ईमानदार सरकार के ईमानदार नेता हैं। चलिए खैर छोड़िए इस बात को, आप देखिए किस प्रकार से लाइव तस्वीरें आपको हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं
उनके कार्यालय में जो बिजली सप्लाई जा रही है उस मीटर को उतरते हुए की तस्वीरें हम आपको के हरियाणा के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आपको एक तस्वीर मैं ये भी दिखा दूं कि ईमानदारी की मिसाल खट्टर सरकार और गुर्राज खट्टर बीजेपी यूथ लीडर, तो वाकई में बहुत बड़ी ईमानदारी की मिसाल पेश की है यहाँ पे बिल ना भर के। और यहाँ पे जब मैंने अधिकारियों से बात की कि पूरा मामला क्या है, तो उनका यही कहना था कि जब पेंडिंग बिजली का बिल मांगने के लिए कर्मचारी इनके पास आए तो ये उल्टा सीधा बोलने लगे और धमकी तक दे डाली। चलिए अब इस बारे में जो जेई साहिबा हैं, महिला हैं, महिला का सम्मान करने वाली सरकार, किस तरह से सरकार के जो नेता हैं वो महिला के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, जानते हैं एक महिला कर्मचारी से। पूरा मामला ये था कि हमारे परमानेंट डिसलेक्शन के इनके दो बिल पेंडिंग थे, 1,22,000 और 27,000, दो बिल पेंडिंग थे। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे एक्सएन सर से और एसडीओ सर से, परसों शाम को मेरे को ऑर्डर मिल गए थे, मतलब 50,000 से 1,00,000 से ऊपर जिसके भी कनेक्शन है उनको काट दो। इनके दो कनेक्शन थे, हम इनके पास दो बार स्टाफ गया, फिर उसके बाद मैंने टीम भेजी, तो ये टीम मेरे पास रिकॉर्डिंग है टीम को, इन्होंने अपने गंडासियाँ कापे जो कुछ भी इन्होंने निकाल लिया, इन्होंने अपने गंडासे कापे सब निकाल लिए। मेरे स्टाफ ने मेरे को फ़ोन किया कि मैडम इन्होंने तो हमें मारने को दौड़ रहे हैं। मैं क्या, दो मिनट रुको, मैं स्टाफ को लेके आ रही हूँ। मैंने एक्सएन सर से बात की, ओके पुलिस ले जाओ, हमने मौके पर पुलिस बुलाई, लेकिन उसी टाइम जैसे ही मैं पहुंची ये गुर्राज खट्टर एकदम निकला, कहता तू किससे बात कर रही है, पता तू कौन है। मैं क्या तू कौन है, मैं भाजपा नेता हूँ, तो मैं क्या बिल तो भरना ही है, भाजपा सरकार नहीं कहती कि बिल ना भरो, बिल तो भरना ही पड़ेगा आपका इतने टाइम से, और आपकी तो हैबिट है जब बिल आ जाता है कोई स्कीम आती है उसमें से 50% भरवाए और पार गए, फिर आम पब्लिक के क्यों काटते हैं, इसका मतलब नेताओं के नहीं काटते, यही बात है। और मतलब मैं सरकारी काम कर रही हूँ, क्या अभी कोठी से फोन आएगा रंजीत सिंह की तू बाहर होएगी और तेरे पांचों बंदे सारे के सारे सस्पेंड होएंगे, तेरे सफेद कपड़े पहनने छोड़ दूंगा अगर तू मतलब ये मीटर उतारा, हाथ लगा के देख, मान जी को मारे पीछे से दो थप्पड़ और एक मोबाइल ले लिया, मेरे को थप्पड़ मारने लगे, शर्मा जी बीच में आ गई, और मतलब इतने में पुलिस ने हमें वहां से, मेरी पर्सनल गाड़ी मैंने मंगवाई उसमें मैं बैठ के और आई, और मतलब पुलिस के कारण हमारी जान बची, नहीं तो नहीं बचती। आज हम कार्रवाई करके आए हैं उनके परमानेंट, ये तो अभी तो पता नहीं है। तो मैम उनके दोबारा से भी मीटर लग सकते हैं अगर वो फाइन भर देते हैं, या वो एसडीओ सर बताएंगे, एक्सएन सर बताएंगे, मैं तो इस बारे में। राजेश बाकर, जिला शिव सर्व कर्मचारी संघ से। कल की जो घटना घटित हुई उसको लेकर के तमाम बिजली कर्मचारियों में भारी रोष था। जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला कर्मचारी के साथ और तमाम जो टीम बिजली की गई थी उनके साथ जो मिसबिहेव किया और उनको जान से मारने की धमकी दी, और एक सरकार के पाड़े में उन्होंने जो इशारा किया कि भी मैं भाजपा का नेता हूँ, इन तमाम बातों को लेकर के यूनियन ने फैसला लिया और आज कर्मचारी काम बंद करके अपना यहाँ धरना प्रदर्शन ले उतरे हैं। हम इसी कड़ी में कहना चाहते हैं कि सोमवार से अभी तक उनके ऊपर एक तो जो प्रोसेस था, जो कानून कार्रवाई थी, वो सिर्फ पुलिस प्रशासन के माध्यम से और प्रशासन को लेकर के साथ में वो मीटर उतारने की कार्रवाई तो कंप्लीट हो गई। लेकिन हम इसके साथ ये भी मांग करते हैं कि जो घटना घटित हुई मिसबिहेव की और जेईयों को मारने की धमकी दी गई, उनके साथ गाली गलौज जैसा व्यवहार जो किया है, इन तमाम मांगों को लेकर पुलिस FIR दर्ज करे। इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पे महिला कर्मचारी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला सशक्तिकरण का नारा देती है और उसी पार्टी के नेता जो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो किस प्रकार से ये देश प्रदेश जो है वो आगे बढ़ेगा। इसी संबंध में मामला दर्ज बताया जा रहा है कि कर लिया गया है, लेकिन किन धाराओं के तहत किया गया है और आने वाले समय में पुलिस इस पे क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। और इसके साथ अगर बात करूँ तो जो तमाम कर्मचारी यूनियन है, श्रम कर्मचारी संघ के जो जिला के सदस्य हैं, संयोजक हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस मुद्दे को जो गौण नहीं होने दिया जाएगा, आने वाले समय में कर्मचारियों की सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए वो लिए जाएंगे।
लेकिन अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से एक महिला कर्मचारी पे जिस तरह का व्यवहार किया, बिजली कर्मचारियों पे जिस तरह से चाकू छुरियों से वार करने की कोशिश की और बिजली कर्मचारी जो जिनके ऊपर थप्पड़ चलाया और महिला कर्मचारियों को थप्पड़ मारने का प्रयास किया, तो इस मामले में क्या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? हालांकि पुलिस को शिकायत दे दी गई है महिला कर्मचारी के द्वारा, लेकिन आने वाले समय में क्या पुलिस कार्रवाई करती है? या फिर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आशीर्वाद इस परिवार पे, इस युवा नेता पे बना रहता है, कोई बाल भी बांका नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।